100 ईसा पूर्व आज के दिन रोमन सम्राट जूलियस सीजर का जन्म हुआ था। 1290 में आज के दिन इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड प्रथम के आदेश पर यहूदियों को उनके देश से बाहर निकाला गया। 1489 में आज के दिन लोदी वंश के संस्थापक बहलोल खान लोदी का दिल्ली में निधन हुआ था। बहलोल दिल्ली के लोदी वंश का प्रथम सुल्तान था। वह अफगान व्यापारियों के परिवार में पैदा हुआ था। इन्होंने दिल्ली सल्तनत 19 अप्रैल 1451 को हासिल की थी। 1674 में आज के दिन मराठा शासक शिवाजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। 1823 में आज के दिन भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का कलकत्ता में जलावतरण किया गया। 1912 में आज के दिन क्वीन एलिजाबेथ पर अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी थी। आज के दिन 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया था। 1957 में आज के दिन अमेरिकी सर्जन लेरॉय ई बर्नी ने अपने शोध में बताया कि धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर में सीधा संबंध होता है। 1960 में आज के दिन भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1970 में अलकनंदा नदी में आई भीषण बाढ़ से 600 लोगों की मौत हो गई। 1994 में आज के दिन फिलीपींस मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात 27 वर्षों का निर्वासित जीवन जीने के बाद गाजा पट्टी आए थे। 1997 में आज के दिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफ़ज़ई का पाकिस्तान में जन्म हुआ था। मलाला यूसुफ़ज़ई को बच्चों के अधिकारों के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। 13 साल की उम्र में ही वह तहरीके तालिबान शासन के अत्याचारों के खिलाफ ब्लॉगिंग द्वारा स्वात के लोगों की नायिका बन गई थी। 1999 में आज के दिन फिल्म कलाकार राजेंद्र कुमार का निधन हुआ था। राजेंद्र कुमार ने 1950 से 1960 के दशक में कई कामयाब फिल्में दी। इसमें धूल और फूल, मेरे महबूब, संगम और आरजू प्रमुख रहीं। 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्म कानून और गुजराती फिल्म मेहंदी रंगलागियों के लिए उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2001 में आज के दिन भारत के अगरतला और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री बस सेवा प्रारंभ हुई थी। आज के दिन साल 2012 में मशहूर पहलवान दारा सिंह का निधन हुआ था। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध अभिनेता थे। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। बाद में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेस को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। 1978 में दारा सिंह को रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया था।